मीम फोल्डर डिलीट। मीम फोल्डर जो आईपीएल में हार्दिक पांड्या के लिए बनाए थे वो डिलीट हो जाने चाहिए 30 जून तक, क्योंकि यहाँ चल रही है हार्दिक पांड्या की रिडेम्पशन आर्क। अगर तुम भी उनमें से हो जिसने हार्दिक की बेइज्जती करी थी आईपीएल में, उसपे भर भर के मीम्स बनाए थे और उसके बाद स्पेशली टिकट लेके गए थे मुंबई का मैच देखने ताकि उसे बू कर पाओ, तो द जोक इज ऑन यू। क्योंकि जो गंगाधर आईपीएल में ढंग से बल्ला नहीं पकड़ पा रहा था, उससे फिनिशिंग नहीं हो रही थी, बॉलिंग नहीं हो रही थी, वो आज अपने देश के लिए शक्तिमान बना घूम रहा है। ऑलमोस्ट हर मैच में आके अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे बैट से हो या बॉल से, टीम को मुश्किल सिचुएशन से भी बचा के निकाल रहा है। और बदले में बंदे ने तुमसे क्या ही मांगा था, बस थोड़ी सी इज्जत। छी यार, घिन आती है मुझे उन लोगों पे जिसने आईपीएल में हार्दिक का मजाक बनाया था, मैं उनमें से बिल्कुल था। देखो जोक्स असाइड, हार्दिक पांड्या से इतना तो सीख लिया है कि इतनी मेहनत करनी है जिंदगी में कि गाली देने वाले भी ताली बजाने लग जाए। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, अरे हाथ मत लगा मेरे भाई को। प्लेयर ऑफ द मैच था बंदा, और आज इसकी बदौलत हम लोग ऑलमोस्ट सेमीफाइनल्स में आ चुके हैं। मैं अभी सो के उठ रहा हूँ, वीडियो एडिट हो रही थी डलने के लिए, और मुझे पता लग रहा है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया है। किसने एक्सपेक्ट किया था भाई, ऑस्ट्रेलिया वालों बदला ले लिया वर्ल्ड कप का। बहुत बुरा हुआ ब्रो, बहुत बुरा हुआ ब्रो। इसके बारे में मैंने आगे बात कर रखी है, तो वहाँ कंटिन्यू करते हैं। यस यस, एक और मैच जीत लिया है, अभी तक अनबीटन चल रहे हैं। पहले तो एवी टीमों को हरा रहे थे, इस बार सामने आई थी बांग्लादेश जो की थोड़ी सी डेंज सॉरी थोड़ी सी मतलब कॉम्पिटिट चलो थोड़ा ठीक ठाक खेलने वाली टीम आ गई, और उनके सामने भी हमने 190 का टोटल पोस्ट कर दिया, 50 रन से उनको हरा भी दिया। ये स्विगी ने डाला है, बेटे से नहीं हो पाया तो पोते से क्या ही होगा, रुको तुम्हें भी बिरयानी भिजवा देते हैं। भाई अब तो तुम्हें फूड डिलीवरी वाले भी ट्रोल करने लग गए यार, बांग्लादेश क्या है ये सब, क्यों नहीं जीत पा रहे यार मैचेस, हर बार तुम्हारे पे लोग वो मीम क्यों लगा देते हैं, हम नहीं जीतेगा, दिस इज आवर टारगेट, हम नहीं जीतेगा। जाना, तेरे बाप का बाप हूं मैं दादा। सुपर एड्स बढ़िया चल रहा है दोस्तों, अफगानिस्तान को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, टीम सेमीफाइनल्स में आ गई है, कोई हरा नहीं पा रहा, मजे ही मजे। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उनको भी पेल देंगे, उसके बाद सेमीज, फिर फाइनल्स, फिर ट्रॉफी, मजे ही मजे। ये लाइन में इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता अगर 7 महीने पहले मेरे साथ प्रैंक ना हुआ होता। अब तो बस यही कह सकते हैं कि भाई देखते हैं, जो भी होता है अच्छा ही होगा होपफुली। वैसे हार्दिक की मीम डिलीट से याद आया, इंस्टाग्राम डिलीट, इंस्टाग्राम डिलीट हो जाना चाहिए तानजिम हसन भाई का, वो लोग आते ही होंगे। भाई इस बार तो कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विकेट नहीं ली गई बल्कि हीरो बनने की भी कोशिश करी है, तो पक्का गाली पड़ेगी। आंख दिखाता है मार, देख रहा है विनोद कैसे आंख दिखाई जा रही है। तंजिम हसन यार गलत पंगा ले लिया तुमने, इसको कोई कैसरिक विलियम से मिलवाओ यार, नवीन उलक से इसकी बात करवाओ एक बार, अरे रोबेल हुसैन का ही नंबर डायल कर दो, इसकी अपनी टीम का प्लेयर है बता देगा। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। देखो भाई सितंबर में आ रही है बांग्लादेश इंडिया में बायलैटरल खेलने, आएंगे 20 प्लेयर, वापस जाएंगे 19, और अगर गलती से विराट कोहली ने उस सीरीज में रेस्ट ना लिया हुआ और खेल दिए तो फिर तो करियर रेस्ट इन पीस ही होने वाला है। ये रेस्ट इन पीस कितना बुरा होगा वो हमारे वर्ल्ड कप रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है, तो तंजिम भाई थोड़ा प्रे करना कि इंडिया जीत जाए ताकि विराट भाई अच्छे मूड में रहे और उनके फैंस भी। अभी से ही कमेंट सेक्शन का हाल देख लो यार, सितंबर में तो बिग बॉस की टीआरपी इतनी नहीं जाएगी जितना इनके मैचेस की जाने वाली है। तू तो गया बेटे। वैसे क्या चल रहा है आजकल, सारे यूट्यूबर्स बिग बॉस जाने लग गए। ऑफर तो मुझे भी आया था लेकिन वो वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल फाइनल देखना है ना यार, तो मिस नहीं कर सकते ना, वीडियो भी बनानी होती है, तो मैंने मना कर दिया। मतलब ठीक है, थोड़ा ड्यूटीज है अपनी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। तंजिम के इस अग्रेशन ने हमें कंटेंट दे दिया और विराट भाई ने रीलर्स को, वो वाला रूल याद है ना जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे कि बॉल अगर ग्राउंड से बाहर जाएगी तो फील्डर ही लेके आएगा। अब चाहे वो फील्डर दुनिया का बेस्ट बैट्समैन ही क्यों ना हो, भाई बॉल तो लानी पड़ेगी, रूल रूल हो गए। आ जाएंगे इस पे भी क्यूट एडिट्स इंस्टाग्राम पे। इस फोटो को देख के एक दो लाइन लिख दी थी, सुना देता हूं तुम्हें। विराट फैंस आफ्टर सीइंग विराट कोहलीज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 3 मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप, आरसीबी फैंस लुकिंग फॉर देयर आईपीएल ट्रॉफी। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, तुम इतनी जल्दी आउट मत हुआ करो, फिर मेरा मन नहीं लगता बैटिंग पे। हाय 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 हाय, रोको की पार्टनरशिप फाइनली कुछ तो कर रही है हमारे लिए। चल गई भाई आज तो कोहली रोहित की भी पार्टनरशिप चल गई, 3 ओवर में 39 रन बना दिए, दोनों एक्सप्लोसिव लग रहे थे। तुम कहते हो वर्ल्ड कप की याद में दिला, यहाँ साक्षात खुद इंडिया का कैप्टन खुलेआम वर्ल्ड कप की याद दिला रहा है। रोहित भाई देखो 1-6 और 1-4 आ गया था ओवर में, फिर क्या जरूरत थी फिर से स्टेप आउट करके बॉल को उड़ा के शॉट मारने की, लालच बढ़ गया, कंट्रोल टूटा और कई विकेट, वो भी वही सेम स्टाइल में, आउटसाइड एज लगा, बॉल हवा में,
फिर ट्रेविस कवर के फील्डर ने आके पकड़ ली कैच। खैर अच्छी चीज ये थी कि विराट कोहली फॉर्म में लग रहे थे इस मैच में, डिसेंट इनिंग्स थी, इतना कोई धमाल नहीं मचाया, लेकिन कॉन्फिडेंस आता दिख रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रूशियल मैच से पहले। स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा कम था लेकिन कंट्रीब्यूट किया, और इंटेंट दिख रही थी क्योंकि 3 sixes लगाए। तो आई थिंक इतना तय हो गया है कि अभी ये लोग जायसवाल को नहीं खिलाने वाले हैं टीम में, रोको के साथ ही अपनी ओपनिंग चलने वाली है पूरे वर्ल्ड कप। मुझे ऋषभ पंत समझ नहीं आता, ये बंदा इतना अच्छा खेल रहा होता है फिर रद्दी शॉट खेल के आउट हो जाता है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है लेकिन रिवर्स स्वीप मारनी है और विकेट दे देनी है। भाई मैं बस यही करता हूं कि जैसे मैं एग्जाम में बैठ के सारे सवालों के जवाब भूल जाता हूं, वैसे ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप खेलना भूल जाए 24 तारीख को। और मैच के बाद ऋषभ भाई अलग ही खुश थे, कैसी कैसी रीले पोस्ट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे। वैसे ये सही टाइम है मेरा इंस्टाग्राम भी प्लग करने का, फॉलो कर देना @PahulWalia पे, और टेलीग्राम को भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। आज फॉर चेंज शिवम दुबे ने भी कंट्रीब्यूट किया था, पहले थोड़ा स्लो था लेकिन इवेंचुअली इंटेंट दिखाई बंदे ने, बट आई डोंट बाय दिस भाई, ये शिवम दुबे है, ये विराट कोहली नहीं है जिसपे हम भरोसा कर ले एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद कि यार चलो आगे भी हमें जिताई देगा क्योंकि पहले कर चुका है। मेरा स्टांस अभी भी सेम रहेगा कि अगर अभी भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो आई डोंट माइंड इट, बोलिंग वैसे भी नहीं करवा रहे हैं, हमारे पास इनफ अच्छे बॉलर्स है, और अगर लेफ्टी ही चाहिए मिडिल ऑर्डर में तो रिंकू सिंह है ना वो, हाँ अगर लेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है तो स्टेबिलिटी डालने के लिए संजू सैमसन आ सकता है, याद है ना उसको भी लेके गए हुए हैं। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आज शिवम दुबे ने अच्छा खेला। हम आईपीएल में दुबे और पांड्या करते रह गए, यहाँ दुबे एंड पांड्या ने काम कर दिया। इरफान पठान विन हार्दिक पांड्या डजंट मेक एनी मिस्टेक, अरे 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 क्यों नहीं आ रहे ट्वीट्स हार्दिक के अगेंस्ट तब। एंड अगेन हार्दिक ने आज कॉन्फिडेंस दिया है भाई हम फैंस को कि ये बंदा फिनिशिंग संभाल लेगा, इनफैक्ट सिर्फ फिनिशिंग ही नहीं बल्कि टीम को डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल के एक लंबी पार्टनरशिप भी बना सकता है। ब्रो इज Divine's biggest fan. Edit करके इसका image तुमने meme बना दिया, मेहनत करके भाई ने पूरा dream बना दिया। 27 ball 50 तो मारी batting में और bowling में भी शुरू की partnership तोड़ दी जहां बांग्लादेश अच्छी start ले चुकी थी। बस हार्दिक भाई बस, और कितना रुलाओगे हेटर्स को और अंबानी को, अब तो छुपने की जगह भी नहीं बची। बंदा इतना selfless है कि अपनी captaincy को छोड़ के सबकी captaincy के under run बनाता है। बस ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता रहे बंदा तो सारा क्राउड चीयर करने लगेगा भाई आईपीएल में भी। बांग्लादेश वालों तुमने गलती कर दी ना, टारगेट 16 ओवर में चेस करना था, तुम 20 ओवर समझ के उतर गए तभी तो हार गए। कितनी बार बताना पड़ेगा यार, बुमराह के 4 ओवर काउंट नहीं होते हैं। वैसे कायदे से तो बेचारों को इस मैच में 12 ही ओवर मिले क्योंकि कुलदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जब तक बंदा बाहर था तब तक दूसरों को पानी पिला रहा था, जैसे ही पिच पे आया बैट्समैन का पानी निकाल दिया। फोर ओवर्स 19 रन एंड 3 विकेट्स, मतलब ये लग रहा था मेन स्पिनर वेस्ट इंडीज की पिच पे। भाई जडेजा और अक्षर कौन सी पिच पे बॉलिंग कर रहे थे भाई, उनके तो अलग ही फिगर्स थे, उनकी इकोनॉमी भी अलग, और कुलदीप भाई कितने क्यूट है यार, तांजिद और तांजिम में कंफ्यूज हो गए। कोहली विकेट लेने वाला तांजिम था, तांजिद हसन तो एक बैट्समैन था बेचारा, उसको आउट करके सेंड ऑफ दे दिया। अच्छा बात नहीं है। बाकी बॉलिंग भी आई थिंक डिसेंट रही, अर्शदीप तो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है अभी तक, वर्ल्ड कप में इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है एंड टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है विद 12 विकेट्स। तो ओवरऑल अभी तक हमारी बॉलिंग तो अच्छा कर ही रही थी लेकिन इस मैच में हमारी बैटिंग ने भी फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूट किया। मैंने ये नोटिस करा कि हर प्लेयर ने इंटेंट दिखाई है एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर इट। रोहित पंत कोहली दुबे एंड इवन सूर्या, ये सब कहीं ना कहीं इंटेंट और तेज खेलने के चक्कर में ही आउट होके गए हैं। मतलब इस बार टीम ने किसी एक प्लेयर पे फुल्ली रिलाई नहीं करा, सबने अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया, डबल फिगर्स में स्कोर निकाला, वही क्विक फायर शॉट्स खेली और 190 प्लस का टोटल पूरी टीम का बन गया। एंड आई थिंक यही ब्लूप्रिंट के साथ टीम को आगे के इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने चाहिए। देखो T20 इज नॉट अबाउट पर्सनल माइलस्टोन्स, यहाँ पे बस सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना है इतने इतने रन की 190 से 200 बन जाए टीम के, एंड एज लॉन्ग एज हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है तो डिफेंड भी हो जाएगा। टच वुड कर लेता हूँ एक सेक्शन। तो ये अप्रोच मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड आई थिंक इसी अप्रोच से ये पूरे टूर्नामेंट से खेलते आ रहे हैं बट इस मैच में परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई। अभी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमारा अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है और इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी जीते, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहां से क्वालिफाई हो रही है तो इंडिया सेकंड सेमीफाइनल खेलने वाली है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल होने वाला है गुआना में और वहां पे हो रही है घमासान बारिश। एंड अब ये मोटा भाई का खेल कह लो या कुदरत का करिश्मा, लेकिन
सेमीफाइनल वन के लिए रिजर्व डे है एंड सेकंड सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, तो अगर बारिश हो जाती है तो हम सीधा जा रहे हैं फाइनल में। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम ऑस्ट्रेलिया को अगला मैच हरा देते हैं और हम ग्रुप में टॉप कर जाते हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि अगर हम अगला मैच नहीं जीतते हैं तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच एक्चुअली हमारे लिए एक नॉकआउट गेम हो सकता है, बहुत क्रूशियल हो सकता है। अभी तक जब ये वीडियो आ रही होगी तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीत चुकी होगी जो सुबह होने वाला था, और वो भी 4 पॉइंट पे आ चुके होंगे। देखो मैंने इतना लंबा पार्ट रिकॉर्ड किया था जिसमें मैं बात कर रहा था कि कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली गेम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि हमें ग्रुप पे टॉप पे फिनिश करना है। ऑस्ट्रेलिया ये मैच अफगानिस्तान से हार चुकी है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है अफगानिस्तान ने यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है ये। कांग्रेट्स टू अफगानिस्तान फॉर प्लेइंग सो वेल, दे डिजर्व इट। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और ग्रुप में टॉप पे फिनिश कर देती है तो हम डायरेक्टली सीधा फाइनल्स में जा सकते हैं, और अब तो मजा आएगा क्योंकि अब हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं और उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं साथ में। भाई इनकी हिम्मत देख रहे हो, मिचेल मार्श ने बोला है कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए अभी भी अफगानिस्तान को बीट करके क्वालिफाई करने के लिए, और नो बेटर टीम देन इंडिया टू डू इट अगेंस्ट। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कोई बात नहीं, कल देखते हैं। इनको हराना है भाई, इनको हराएंगे, इनको बाहर करेंगे, इनको सेमीज में आने ही नहीं देंगे इस बारी। रोहित भाई देख लेना, बहुत सिंपल हो गया भाई, अब बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, बस किसी तरह निकलना है यहाँ से। अब इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी टीम की बात करें तो आई डोंट थिंक ये लोग फिर से कोई चेंजेस करेंगे, सेम टीम ही रहने वाली है। इवन तो मुझे शिवम दुबे पे फुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आया है, ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमें बाद में आके बहुत ज्यादा रिग्रेट करवाती है, लेकिन स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया भी काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में चल रही है तो मैच तो एक्साइटिंग डेफिनेटली होगा। अपना ग्रुप फिर भी सिंपल है, असली खिचड़ी दूसरे ग्रुप में पकड़ी है। साउथ अफ्रीका अभी तक अनबीटन है 4 पॉइंट्स के साथ, लेकिन वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड 2-2 पॉइंट पे बैठी है। साउथ अफ्रीका की टीम इस साल कुछ बड़ा ही सोच रही है भाई, 6 स्ट्रेट विन्स हो चुकी है इस टीम की, अभी तक एक भी मैच नहीं हारे है, लगता है इस बार बड़े मैच के लिए बड़ी चोकिंग बचा के रखी हुई है। लेकिन इनका वेस्ट इंडीज के साथ एक मैच बचा है, और अगर ये वो मैच हार जाते हैं, इंग्लैंड अपना मैच जीत जाती है, तो ये भी बाहर हो सकते हैं। मतलब आखिरी हफ्ते में वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कपिंग। T20 वर्ल्ड कप 2007 ऑस्ट्रेलियन पेसर ब्रेट ली टुक अ हैट्रिक एंड इंडिया वन द ट्रॉफी। T20 वर्ल्ड कप 2024 ऑस्ट्रेलियन पेसर पैट कमिंस टुक अ हैट्रिक। इंडियन फैंस विल वी सी अ रिपीट ऑफ 2007। बहुत बढ़िया भाई, हम यही करते रह जाएंगे और वो वहां ट्रॉफी की हैट्रिक कर लेंगे, देख लेना। तो हम यही निकालते रह जाएंगे, ये हो जाता वो हो जाता, ये हुआ था वो हुआ था, वो हुआ वो, देखो वो कर जाएंगे, रहने दो भाई, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अब ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद, देखते हैं भाई क्या होता है, अपनी मेंटल हेल्थ अगला एक हफ्ता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी आ जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। डर का माहौल है जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा।